देखते क्या सीन है यहाँ का। मैंने पहले ही बोला जब तुम बोलो मैं मान क्यों, ये कौन है बोलने वाला है। चल ठीक है फैसल चुप रह। तुझे जम्मू चलना है वापस? नहीं जाना है सुना। यहाँ से जम्मू देखना यार 77 किलोमीटर है। 77 किलोमीटर ट्रैवल करके मैं आया, थोड़ा लिहाज रखा कर यार कि इंसान मतलब इतना भी खुदगर्ज कैसे हो सकता है यार। जबरदस्ती नहीं करना मेरे साथ, बस मैं बोल रही हूँ लेने के लिए ये ना मैं यहाँ पे शोर डाल दूँ, गाड़ी यहीं पे रोक दो भाई। अब तेरा कहने का क्या मतलब है, तू हमें किसी केस में फंसाएगी? फंसाने में टाइम भी लगेगा। अरे रो क्यों रही है? मैंने थोड़ी रोने वाला, मैंने क्या बोला बता, कुछ बोला मैंने तुझे? बोला ना तो तुम मेरे को जम्मू में चैन से रहने दे रहे हो, ना तो तुम उधमपुर में, यहाँ भी तुम मुंह उठा के आ गए हो। यहीं पे उतार दूँ, यहीं से मेट्रो मिल जाएगी, पर नेक्स्ट टाइम ना किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना। गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम से बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत फिर से अपने घर से करते हैं और आज आपको पता है मैं क्या स्टेप लेने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है पास्ट के 10 दिनों से भाई, तो श्वेता के पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया और साथ में उसके भाई ने मेरे को कॉल किया, कह रहा है कि भाई जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ है वो ना यहाँ से भाग गई है घर से। भाई आपको पता कितनी बड़ी बात है घर से भागना? पिछले 6 दिनों से भाई वो रह रही है भाई उधमपुर में, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर उसकी फ्रेंड का घर है। जो मेरा फ्रेंड शुभम था ना भाई, JK06 राइडर, वो उसकी फ्रेंड भाई, उनके पेरेंट्स बहुत वरीड है श्वेता के, कह रहे हैं कि यार सब चीजें आपकी वजह से खराब हो गई है तो ठीक भी आप करो। कुछ उल्टा सीधा इल्जाम आ जाए हमें तो कहना चाहिए, हमें चुप करके जाना चाहिए, उसको मना के जहाँ भी हो व्हाटएवर उसको लाना चाहिए। नहीं पता उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया, शायद वो मेंटली ज्यादा परेशान है, मैं समझ नहीं रहा हूँ ये सब चीजें। रास्ते में पहुंचे हुए मेरा फेस ना जल रहा है भाई, पता नहीं क्या इरिटेशन हो रही है यार। बहुत पहले से मेरे को बोल रहे थे भाई, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से पहले फेस वॉश करने के लिए। मेंथॉल होता है इसमें, हाँ हाँ ये है ना ओशन फेस वॉश है, बड़ा प्यारा है। अब यहाँ पे प्यारी सी नदी है नीचे, आई कांट बिलीव यहाँ पे कितना प्यारा है भाई, ये देख लो, ये चेक करो कितना अच्छा है भाई। तो ये ना मुस्टैक का ओशन फेस वॉश है, ठीक है। आपको पता है कितना इजी टू यूज है, इसमें ना पंप फॉर्म आती है तो मैं इसमें ना ऐसे करके मैं थोड़ा हाथ में डाल दूंगा तो कुछ इस तरह से इसको फेस पे रब करूंगा। एक्चुअली मेरे को ना बड़ी गर्मी लग रही थी और मैं साथ में इरिटेशन भी हो रही थी फेस में। वाओ तेरा फेस कितना ब्राइट हो गया है, सच में हो गया ब्राइट, सीरियसली ब्रो। गाइस आपको पता है इसमें ना लिकोराइज का एक्सट्रैक्ट है जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है ना वो ग्लो करती है, और ये मेनली जो है ना टफ मेल स्किन के लिए डिजाइन हुआ है जो ओशन फेस वॉश है। आपको पता है इस फेस वॉश की प्रॉपर्टी ये है कि इसमें मेंथॉल है, मेंथॉल से आपको ना फेस को ठंडक सा लगता है, पर मेरा जो फेस जल रहा था ना भाई पहले, अब अच्छा सुकून मिल रहा है मेरे को। जो तू गाड़ी में बोल रहा था मेरा फेस बहुत जल रहा है, ऐसे जल रहा था थोड़ा ना, लेकिन अब बहुत सुकून मिल रहा है। और जो तीसरी चीज में ना सैलिसिलिक एसिड है, मेरे फेस पे थोड़े पिंपल पहले थे उनकी वजह से पिंपल प्रिवेंट होते हैं, और जो निकलने वाले होंगे उसके बाद वो तो निकलते ही नहीं है पिंपल। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये सबसे अच्छा फेस वॉश है, ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे 3 लाख+ लोगों ने रिव्यू दिए इस फेस वॉश के लिए, उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छा फेस वॉश है एक बार यूज कर लेना। अभी तो बिग बिलियन डेज की सेल भी चल रही है, उस पर आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ये हार्डली 100 या 125 का मिल जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ किस चीज का वेट कर रहे हो, इस फेस वॉश को जल्दी से जल्दी ऑर्डर करो मुस्टैक का, और आपकी स्किन भी ब्राइटन हो जाएगी साथ में पिंपल भी खत्म हो जाएंगे और इतनी खुशबू अच्छी होगी आपका मन करेगा। फ्रेग्रेंस तो सीरियसली इट्स क्रेजी। हाँ और ऐसा ना मेल के लिए बात हो ना, एक लड़की वाला फेस वॉश वो नहीं है भाई, लड़की वाला फेस वॉश ये देखो मेरे स्किन कितनी ब्राइटन हुई है, मेरे हाथ देखो कितने सही लग रहे हैं, और इस नदी के प्यारे से व्यू में तो और भी अच्छा लग रहा है। एंड गाइस फेस वॉश का नाम भी ओशन है, हम भी हल्का फुल्का ओशन के पास ही खड़े हैं। इस चीज का वेट कर रहे हो, इस फेस वॉश का जो लिंक है मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट भी होगा, तो जाओ ऑर्डर करो और अपनी स्किन को ब्राइटन करो। ये कैसे मतलब इसको कैसे यूज करते हो? नॉर्मली जैसे आपको ना फेस को लगाना, रब करना, फिर वॉश कर देना। रहने वाले कहाँ के? हाँ मैं सर जम्मू के। जम्मू के क्या सोच के निकले थे घर से? फोन किया तो यार मैंने उठा नहीं रही है, मैं क्या करूँ अब यहाँ से, उसने फोन ही नहीं उठाया, मैं 30 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। अब पता चला हम उधमपुर पहुंचे, हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। तो पता है शोएब ना ऐसे नॉर्मली जब अपने व्लॉग्स वगैरह करता है ना, जब श्वेता भी इसको सपोर्ट करती है बड़ा ज्यादा हैप्पी रहता है। जब इसकी स्माइल फेक होगी ना तो वुल्फ आर्मी है ना वो समझ जाएगी भाई क्या सच है क्या नहीं है। तुझे पता है कल लोगों ने लिखा था किसी ने तू छपरी इन द फ्रंट फ्रेम, हां तेरे और मेरे लिए, भाई मेरी ऑडियंस ने क्या 5 मिनट नहीं लगे उसने कैसे दिया कैसे क्या ये छपरी तुम्हारे पापा है क्या पता नहीं। ना ना वो नहीं, बम्बू कैसे दिया मेरी ऑडियंस ने बोला, बम्बू इतना बड़ा दिया था ये मेरी साथ। सीन ये है कि भाई जो मेरे लिए गलत बोलेगा मेरी ऑडियंस भाई उसके बहुत खिलाफ है, क्योंकि जो मैंने जनता अपनी कमाई है ना ये मेरी मेहनत की कमाई है, और मेरा प्यार जो तुम्हारे लिए है ना वो हमेशा एवर ग्रीन रहेगा, और तुम्हारा मेरे लिए भी सेम रहना चाहिए। आई लव यू सो मच। चुमा दे दे भाई, तो कुछ और नहीं सोच लेना, पता चले ऑडियंस। कम ऑन आंटी, कम ऑन आंटी, कम ऑन आंटी।
भाई टच कर रहा है मेरे को, इसको बोला दूर हो जाए मेरे से, मेरे को बहुत तंग करता है रात को सोते वक्त, ठीक है। तो अब इसको मैंने सेपरेट रूम देना, मेरे अपने रूम में नहीं सुलाऊंगा, इसका मैट्रेस नीचे डालना मैंने अलग से, और जो टॉवल है गीला ये बेड पे फेंक देता है, कपड़े बिखार के रखता है, पूरा रूम खराब कर देता है, और मेरे को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है। आपने देखो वुल्फ चेंज हो गया भाई, थोड़ा ना ज्यादा फ्रैंक हो गया, इसको हुआ क्या अचानक से? मेरी जो फ्रीडम जो मुझे घर वालों ने मुझे दी है, मेरे घर वाले मुझे कुछ भी नहीं बोलते लिटरली, अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ मेरे फैमिली को मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉज मैंने अपना स्टैंड लिया भाई, मैं यूट्यूब कर रहा हूँ मैं स्टैंड लेता हूँ, आप भी ले सकते हो। मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो क्रिएटर बनना चाहते हैं यूट्यूब पे, लेकिन चक्कर ये है कि उनको पढ़ना है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन वो स्टैंड नहीं लेते। मेन चीज होता क्या ना, जिगरा रखो फैमिली के सामने बोलो, है ना, जो भी पैशन है ना अपने पैशन को फॉलो करो भाई। इन्होंने आगे से ये लगा दिया हुआ है। क्या हुआ अंकल, खोलो यार इसको, पहले साइड तो लगाने दो यहाँ पे यार, दे यार आईडी इसको यार, ये क्या फोन दो दूसरा फोन, फोन दे 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 यार, दे फोन इसको, दे फोन यार। हाँ हाँ हम करते फास्ट रिचार्ज करते भाई, बेइज्जती तगड़ी हो गई, फोन ही ले गया साला, छोड़ना यार गाली नहीं दी, अब हमारे गलती हमारी है, पता है गलती ये है भाई, इतनी ज्यादा खजली मैंने आज तक नहीं देखी। ये अंग्रेज नहीं है ना, इंडिया का ही है, लेकिन अंग्रेज लगता ना, हाँ नहीं यार अंग्रेज नहीं है, मॉडल है हमारा यार। आज के बाद कभी मैं ऐसे नहीं चलूंगा यार बिना रिचार्ज के। गाइस मेरे को ना गाड़ियों का ज्यादा पता नहीं है ना, मैं भाई हम चलाते हैं, मैं बाइक करें। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं उधमपुर मेन सिटी, अभी हम मुझे पता नहीं वो किस वाले कैफे में रुकी हुई है, तो अभी यहाँ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गूगल बाबा भी कभी कभी ना गलत बता देता है। तो यहाँ कोई कैफे है भाई, ओलिव कैफे, देखते क्या सीन है यहाँ का। आपका भाई इसको फोन करके परेशान कर रहा है, क्या है पूछ के निकली थी घर वालों को, वो बताए क्या ऑन कैमरा बोली है, तो बस वही बात है ना, उस टाइम में ही बताया था जब मैं घर से निकली थी, लेकिन हफ्ते से उधमपुर में भाई भाग के, थोड़ा ना कोई जस्टिस वाली बात हो, अवॉर्ड लगता है भाई घर वालों को भी, भाई कहाँ है मेरी बेटी है, तुम तो परेशान हो ना मेरे से, तुम तो परेशान हो, और ये जो फोन पकड़ के कैमरा में आ रहा है ये कितना कुछ बोल रहा है, क्या कर रहा है, अभी तेरा भाई हमें बोल रहा, तुमने बोला कि चल चलना है घर, भाई उसको आपकी फिक्र है जैसा भी है, बेशक आपने जो भी किया उसके साथ, बट उसको आपकी फिक्र है यार, ये भी देखो ना, वो जम्मू से उधमपुर आया आपके लिए विदाउट एनी प्रॉफिट, नहीं तो आज के लड़के सिर्फ प्रॉफिट पे चलते हैं, क्या प्रॉफिट दिख रहा है क्या, तब भी यू हैव टू कंप्लीट योर वर्ड्स, बोला तो लेने के लिए आया हूं घर जाना है मेरा, तो प्रॉफिट क्या है मेरा, मैं कह रहा हूं मेरा प्रॉफिट क्या है, अबे मत जा बाड़ में जा, मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है, तू बोरी के तेरा प्रॉफिट है, ये तमीज मैं सही, अरे रो क्यों रही है, मैंने थोड़ी रोने वाला क्या, मैंने क्या बोला बता, कुछ बोला मैंने तुझे, बोला नहीं, किस चीज के लिए, किस चीज के लिए रोना है मुझे ये चीज तो बता, आंसू किस चीज के लिए आए है, तूने खुद ही तो बोला तू अपना प्रॉफिट देख रहा है यार, तूने नहीं बोला, तू बता नहीं बोला तूने, भाई इतने पैसे आते भाई, अब मुझे बताओ मैं इस चीज को प्रॉफिट क्या लूं, मैं ये प्रॉफिट है मेरा, हंस क्यों रही है, पहले मेरे को लोग बोलते हैं भाई तुम ब्लॉगिंग क्यों छोड़ रहा है, पहले ये बोलते हैं लोग मेरे को ब्लॉगिंग कर, कंटिन्यूअसली कर, कह रही है बिना फ्रेंड के भी आ सकते, इसके बिना तो इसको कहाँ रहूँ, मेरे घर पे रहता मैं क्या करूँ, बाहर निकालूँ घर से, अभी मेरी बंदी का खुद मेरे साथ बहुत ज्यादा सीन चल रहा है, 4 साल से मेरा रिलेशन है, मुझे पहले ही बोला है, जब तुम बोलो मैं मान क्यों, ये कौन है बोलने वाला, चल ठीक है तेरा बनता नहीं, मेरी बात जो तुम्हें करना है, अच्छा एक काम कर, तुझे जम्मू चलना है वापस,
नहीं जाना है सुना। कहाँ रहना है? रहना कहाँ? किस लिए आऊँ? मेरे यहाँ पे मौसमी का घर भी है जो मेरी फ्रेंड है, मेरी नानी का घर भी है, मेरी मासी का घर भी, मामू का घर भी यहीं पे है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एक तो मौसमी से एक बार बात कर लेता हूँ, उसके घर जाता हूँ यार, बोलूंगा यार क्या सीन है, भेज इसको घर यार, जो भी सॉरी है सॉरी बोल दूंगा भाई, जो भी हुआ। और क्या कर सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ उसकी फ्रेंड के साथ मिल लूँ यार। मिलना इसलिए कि मैं बोलूँ उसको यार जम्मू जा रही है, जान दे। अरे मेरे को नहीं जाना है यार, मैं पहले भी तुम्हें बोल सकती हूँ, तुम्हारे दोस्त तुम्हें भी बोला ना मैंने, मेरे को जम्मू नहीं जाना है। अबे जम्मू जबरदस्ती नहीं करना मेरे साथ, बस मैं बोल रही हूँ लेने के लिए ये ना मैं यहाँ पे शोर डाल दूँ, गाड़ी यहीं पे रोक दो भाई। अब तेरा कहने का क्या मतलब है, तू हमें किसी केस में फंसाएगी? फंसाने में टाइम भी लगेगा, लड़की के पावर को जानते हो ना, अगर एक बार केस कर दे, अगर बोल दे कि भाई जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ किलोमीटर ट्रेवल करके मैं आया, थोड़ा लिहाज रखा कर यार, इंसान मतलब इतना भी खुद गर्ज कैसे हो सकता है यार। तुम इतना खुद गर्ज तुम हो ना, तो तुम मेरे को जम्मू में चैन से रहने दे रहे हो, ना तो तुम उधमपुर में, यहाँ भी तुम मुंह उठा के आ गए हो यार। इसको एहसास ही नहीं हमारे, छोड़ो यार। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो यार, तुमसे बात की मैंने, बात तो सही बोल रहा मैं, क्या बोलूं एहसास का, मैं क्या करूं, तुम्हें एहसास था तो मैंने गलत क्या किया? तुमने क्यों मेरे दोस्तों से लड़ाई की? तो तेरे दोस्त हैं, उन्होंने वो आपके तेरे दोस्त हैं जो तेरे वे मॉल में जब उनको चांट चली थी तो भाग गए थे वहां से। तुम किस लिए आए? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वापस जम्मू जाता हूँ, मेरे पास यही ऑप्शन। हाँ और ना तो दोबारा आना, ठीक है? तुमने बोला था कि मुझे एक घंटे के लिए मिलना है, बात करनी है, वो कर ली, शॉर्ट आउट कर ली, और मेरे को यहाँ से मेटाडोर मिल जाएगी, मैं वहाँ से बैठ जाऊंगी, मेरे को बस स्टॉप है। कहाँ से मेटाडोर कहाँ से मिलेगी? मिल जाएगी आगे, तुम स्टॉप पे उतार दो, यहीं पे उतार दो, यहीं से मेटाडोर मिल जाएगी। और नेक्स्ट टाइम ना किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करना, गाड़ी में बिठा के सीधे जम्मू चलो, गाड़ी भी नहीं रोक रहे। जबरदस्ती कौन सी जबरदस्ती की? ये जबरदस्ती होती है गाड़ी में बिठा के क्या जम्मू, हाँ जम्मू ले चलो, क्या जम्मू ले चलो, मेरा सारा सामान यहीं भी बढ़ा, मैं जम्मू जाऊँ तुम्हारे साथ? चलो यार ये लड़कियों का यही होता है, कल तक यार तुमसे पूछा, कल तक आपकी गर्लफ्रेंड थी, आज आपको गर्लफ्रेंड नहीं है यार, थोड़ा फ्रेंड बोल यार, कल तक आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, कल तक आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आज बोल रही है जबरदस्ती कर रहे हो मुझे ने यार, तुम यार इससे बात की, आपने दोस्त को समझा लो, अल्लाह ताला बचाए यार लड़की, तू उतर नीचे, कोई बात नहीं। हाँ तो जा रहा है ना, तुम्हारे साथ जा भी कौन रहा? जाओ जाओ जा उतर, स्टॉप मिल गया ना, यही वही वेट कर रहे हैं बाकी पैसेंजर वगैरह सारे। कल तक आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, आज बो रही है जबरदस्ती कर रहे हो, ये तो हमें अंदर करा देती है। तो मेरे को यार जेल भिजवाएगी इससे आपसे भाई, कल को इसका क्या भरोसा है? मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके सारी चीजें खत्म करनी पड़ेगी भाई यार। इधर सुनो बात, ठीक है फिर? हाँ तो क्या, जाओ ना, तू देख रहा है इसको? ठीक है कोई बात नहीं यार, चलो आगे आगे आ यार, इसको मैं सीट आगे बिठा रहा हूँ ताकि भाई रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ये है वो है यार, आगे आगे बैठने के बंदा काबिल भी होना चाहिए ना यार, और ऊपर से मैं इज्जत से पीछे बैठ गया है। हाँ। मैं बैठेगी आगे, ये तो हमें फंसाने की बातें कर रही है।